मौज हो रही है, मौज है। तो भाई पूरे मजे ले जा रहे हैं गाने सुनते हुए, बहुत ही मजा आ रहा है। बस 80 किलोमीटर और यहाँ से उत्तरकाशी। तो भाई अब की बार व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं हाईवे से। तो अभी हूँ इस टाइम में गुड़गांव वाले हाईवे पे, मतलब गुड़गांव पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ से आगे दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15 बजे के आसपास टाइम हो रहा है, और इस टाइम मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ। और काफ़ी दिनों बाद एक व्लॉग वापस स्टार्ट किया है और एक नई राइड करी है स्टार्ट, और एक गंगोत्री के लिए अपनी ये फर्स्ट राइड है। पहले इससे पहले कभी गंगोत्री गई भी नहीं है, और जयपुर से सोलो, और भाई अपन जा रहे हैं सोलो दिल्ली तक। भाई दिल्ली तक जाएंगे सोलो यार, दिल्ली तक। दिल्ली के बाद तो अपना भाई है वहाँ पे, वो जाएगा अपने साथ वहाँ से। मैंने राइड स्टार्ट करी थी 3:30 बजे के आसपास सुबह के टाइम, तो 3:30 बजे से, और अब 7 बजने वाले हैं, तो मैं ऑलमोस्ट दिल्ली पहुँच चुका हूँ। तो बस सादरा जाना है, यहाँ से सादरा से भाई को पिकअप करना है, और फिर वहाँ से फिर हम लोग सीधा गंगोत्री के लिए निकल जाएंगे। तो जैसे कि अभी अपन मोटर व्लॉग पे थे, तो मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, दिल्ली भी मैंने क्रॉस कर लिया, और दिल्ली से जस्ट आगे मैं अभी आ गया हूँ, यूपी में एंटर कर चुका हूँ। तो यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर और है देहरादून यहाँ से। तो बढ़िया है, रोड थोड़ा रश था क्योंकि मेट्रो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेरठ तक तो मेट्रो काम कर रहे हैं, बाकी तो आगे रोड बढ़िया है। मैं बाकी रोड दिखा देता हूँ कैसे है। और मेरे साथ में है विपुल, हम दोनों ही राइड कर रहे हैं साथ में एज ए पिलियन साथ में। तो बाकी मिलते हैं मतलब आपसे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर अभी गर्मी है काफ़ी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर गंगोत्री जा रहे हैं, वहाँ जाके तो ठंड मिलेगी मिलेगी यार। और भाई बाइक जो है ना एकदम बिल्कुल मक्खन चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है बाइक, क्योंकि इसके मैंने हैंडल बार राइजर भी अपडेट करवा लिए, तो 2-2 इंच के हैंडल बार राइजर हो गए, तो बढ़िया एकदम हो रही चल रही है बाइक। तो भाई एक छोटी सी दिक्कत हो गई यार, मैं एक रिस्क लेके चल रहा था कि चलो रिजर्व में चला के देखते कितना चलती रिजर्व में, और पता लगा भाई यहाँ रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया रिजर्व में। मैं मुझे लगा कि इसकी जो इसमें क्या दो अलग अलग दे रखे हैं ऑयल के, तो मुझे लगा कि टेम्परेचर वाला होगा, सही टेम्परेचर वाला था नहीं, टेम्परेचर के पास वाला था ऑयल। तो आज खत्म तो एक भाई मिला है, देखो पीछे से दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं यार थोड़ी सी। ऊपर से, ऊपर से नहीं जाएगी भैया, वो पूछने गए अगर उसके लिए बोतल के लिए आगे से कटते हैं ना। कितना दूर है आगे, कितना दूर है, 150 मीटर है, बोला 100 मीटर है। तो भाई जो पेट्रोल ख़त्म हो गया था पेट्रोल भरा लिया वापस, और अब की बार फुल करवा लिया, तो कोई टेंशन नहीं है। और 88 रुपये है लीटर यहाँ पे, तो अब रिस्क नहीं लेंगे भाई। वापसी में डलेगा, डलेगा मैं कुछ नहीं पता भाई। तो यहाँ पे कोविड किधर से जाए, किधर ही कहाँ जाना है, जयपुर से उत्तरकाशी टेस्ट हो गया, निकल जाए वहाँ से, बोला इधर जाओ, जो मेन रोड पे खड़े हैं ना उन्होंने अंदर से जाने के लिए बोला, उन्होंने बोला अंदर जाओ, यहाँ टेस्ट हो रहा है, यहाँ टेस्ट करवा के रखा ना, टेस्ट तो हो रखा है हमारा, ठीक है फिर निकलते, बोलता हूँ उनको एक बार, उनको यहाँ पे टेस्ट हो रहा है भाई।
तो भाई हमारा तो टेस्ट हो रखा है, यहाँ तो टेस्ट किसी ने चेक नहीं किया, क्या पता आगे कहीं चेक कर ले। और सारे भाई फौजी वाले फौजी खड़े हुए थे सारे SSB के। तो फाइनली पहाड़ी आ गई है और पहाड़ों पर चढ़ाई स्टार्ट कर दिया हमने। तो कुछ तो हमने कवर कर लिया यहाँ से पहाड़ी एरिया, करीब करीब 70-80 किलोमीटर कवर कर लिया। और 134 किलोमीटर और है यहाँ से उत्तरकाशी, तो करीब करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया अब तो। उत्तरकाशी से करीब करीब 90-95 किलोमीटर और है। और मौसम और व्यूज़ देख लो भाई, ठंडा मौसम है और व्यूज़ खतरनाक है। नीचे टैरी डैम है, यहाँ से व्यू आ रहा अच्छा, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो ये। और भाई कॉटेज है, खतरनाक व्यू है यहाँ का इसका। और देखो कैसे कैसे रोड आ रही है, और देखो कैसे रोड टेरी डैम। भाई रोड तो अच्छी है, बनी हुई बहुत अच्छी रोड है बस। और ज़्यादा टेम्परेचर भी अच्छा, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक ठाक है। और बाकी करते हैं मोटरलॉग पे अपडेट, दिखाता हूँ। चले भाई अभी तो हम खड़े हैं बस, अब निकल रहे हैं यहाँ से। ये कुछ व्यू थे बढ़िया वाले। और भाई ये लेक साइड व्यू, तो गाइस मिलते हैं आगे और दिखाते हैं नज़ारे रास्ते के और भी बढ़िया बढ़िया वाले। हर्सिल तो नहीं, उत्तरकाशी तक आज पहुंच पाएंगे और 100 किलोमीटर और है फिर वहाँ से गंगोत्री का। तो यमुनोत्री निकलेंगे कल पहले, फिर उसके बाद क्या नाम से यमुनोत्री करके फिर गंगोत्री के लिए निकलेंगे। फिर आगे करता हूँ अपडेट बाकी। To the sea for a getaway, car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? भाई तगड़ा ही मार्केट है ना उत्तरकाशी का। फाइनली उत्तरकाशी पहुंच गए, पर उत्तरकाशी पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। सुबह चले थे, शाम हो गई। कहाँ चले भाई साहब? भाई यहाँ तो बाल कटिंग वटिंग करवा लो, कटिंग वटिंग करवा लो। धर्मशाला रही ऊपर वाला कमरा। तो भाई ये कुछ ऐसा मार्केट है, देख लो भयंकर ही भीड़ है भाई यहाँ पे, बहुत बड़ा मार्केट है मतलब ये। तो यार कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो कल का व्लॉग इसलिए एंड नहीं कर पाए थे क्योंकि रात को आते थे हमें काफ़ी लेट हो गए थे, और फिर बाद में खाना वाना खाने चल गए, तो काफ़ी थकान भी थी क्योंकि सुबह से राइड कर रहा था जयपुर से मैं 3 बजे, कम से कम 3:30 बजे से। तो यहाँ मुझे करीब करीब काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हमारे पास 2 रास्ते थे हरिद्वार से यहाँ तक आने के लिए, तो हमने जो दूसरा रास्ता लिया वो थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, बीच में पैचेस ख़राब थे, पर कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी आगे निकल गए वहाँ से। तो रात के व्लॉग एंड नहीं करते, फिर नहीं करते आज नेक्स्ट की स्टार्टिंग।